क्यों सबसे हटके सबसे बवाल होने जा रहा है पवन सिंह के सावन के गीतों वाला एल्बम। जी हाँ, चलिए आज हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पवन के लुक की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ आप जो सभी ये जानना चाहते हैं कि पवन के जो गाने हैं वो कब रिलीज़ होंगे, कब पोस्टर रिलीज़ होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो स्किप मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 3 तारीख को ही पवन सिंह के सावन के गीतों का पहला पोस्टर रिलीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ उसी दिन ये अनाउंस भी हो जाएगा कि उनका ऑडियो रिलीज़ कब होगा, उसके साथ साथ वीडियो रिलीज़ होगा। पवन कुल मिला जुला के 4 से 5 गाने लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा गाने नहीं हैं। आपको बता दें, खेसारी के 22 गाने हैं जो सावन में रिलीज़ होंगे, लेकिन पवन के सिर्फ 5 गाने हैं। और तो और, पवन सिंह के ये जो सारे गाने हैं एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे शूट किए जा रहे हैं, मुंबई में ही शूट किए जा रहे हैं। जी हाँ, जो लोग ये सोच रहे थे कि पवन सिंह ने बिहार में शूटिंग की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, पवन सिंह ने रिकॉर्डिंग बिहार में ज़रूर की थी अपने गानों की, सावन के गानों की, लेकिन जो रिकॉर्डिंग के बाद जो शूटिंग है वो मुंबई में ही स्टार्ट की है पवन सिंह ने। इसके लिए लोकेशन फिल्म सिटी का चुना गया है, मुंबई के फिल्म सिटी का लोकेशन चुना गया है। साथ ही साथ मड का लोकेशन है जो मुंबई में पवन सिंह के घर से बिल्कुल करीब पर है। साथ ही साथ पवन के जो गाने हैं उनके लिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी HD क्वालिटी के जो वीडियोज़, पवन की स्पेशलिटी है, सेम उसी हिसाब से पवन के जो गाने आते हैं सेम उसी हिसाब से गानों को शूट किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने वाले हैं, महादेव का दीवाना 2, जी हाँ, वो भी रिलीज़ किया जाएगा। वो भी एक गाना होगा जो कि पिछले साल सबसे ज़्यादा बजा था, पवन सिंह का गाना, आप सभी को याद होगा, जिस गाने ने 50 मिलियन बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया था। अब आपको बता दें कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। लोगों को, जो लोग बहुत एक्साइटेड है इस गाने को लेकर, सो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब बात कर लेते हैं पवन के लुक की, तो बहुत उम्दा लुक होने वाला है। जी हाँ, इस बार पवन दाढ़ी और मूंछ में ही रहेंगे और पूरी तरह से आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रमे हुए ही दिखेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।